Hello everyone, welcome to my channel Max Classes. In this video, we will try to understand the concept of probability from RS AGGARWAL book. You can find these definitions on page number 887. Probability. What's the meaning of probability? Probability is a simple concept which numerically measures the degree of certainty of the occurrence of event. स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? ये स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है? इट्स सिंपल अ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. दैट मींस यदि हम कोई सा भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम यदि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है कि हमें या तो हेड मिल सकता है या तो हमें टेल मिल सकता है. देयर आर टू केसेस. ओके, सो प्रोबेबिलिटी से हमें क्या पता चलता है कि हमें बस हेड आने के कितने परसेंट चांसेस है और टेल आने के कितने परसेंट चांसेस है. ओके, सो प्रोबेबिलिटी सिंपली सेज द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट. व्हेन यू सॉल्व अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, देन यू विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन आर डेली लाइफ. ओके, नाउ मूव टू अ नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज एक्सपेरिमेंट. Experiment is what? An operation which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. Experiment का meaning क्या हुआ कि यदि हम कोई सा भी एक task करते हैं, जैसे कि हमने यदि toss यदि हमने coin को toss किया या फिर हमने dice को throw किया, तो हमारे पास में क्या होता है, एक well-defined outcomes आते हैं. यदि हम coin toss करेंगे तो हमारे पास में head मिलेगा या तो tail मिलेगा, या फिर हम अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या चांसेस होते हैं कि या तो हमें वन मिल सकता है, टू मिल सकता है, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स. सिक्स से सिक्स तक हमें कुछ भी नंबर हमें मिल सकता है. तो ये क्या होते हैं, एक वेल डिफाइंड आउटकम्स होते हैं कि हम कुछ एक ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे हमें एक फिक्स्ड वेल डिफाइंड आउटकम्स मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है. इसके अलावा यदि किसी बॉक्स में थ्री कलर्स की बॉल से, सपोज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो हम उसमें से अगर कोई एक बॉल ड्रॉ करते हैं, ओके, सो तो वो बॉल रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन की भी हो सकती है, ब्लू की भी हो सकती है. तो जब हम बॉल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास में क्या है, एक वेल डिफाइंड आउटकम्स है कि हमारे पास इन्हीं तीन कलर की बॉल्स मिलेंगी. हमें एक डिफरेंट कलर, पर्पल कलर की बॉल नहीं मिलेगी उसमें. जिस कलर की बॉल्स उसमें है वही हमें आउटकम मिलेगा, एक वेल डिफाइंड हमें आउटकम मिलेगा. तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है. ओके, नाउ move to the another definition, which is random experiment. Random experiment means an experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicted in advance. Okay, इसमें हमारे पास में क्या है, जब भी हम experiment perform कर रहे हैं तो हमें कुछ outcomes मिल रहे हैं, लेकिन वो जो outcomes हमारे पास मिल रहे हैं हम उसको predict नहीं कर पा रहे हैं. हम पहले से नहीं बता पा रहे हैं कि हम यदि box में से ball को निकाल रहे हैं तो हमारे पास वो ball किस color की मिलेगी, वो रेड होगी, वाइट होगी या ब्लू होगी. इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल. जब हम उस बॉल को निकालेंगे तभी हम उसे देख के बता पाएंगे कि वो कौन से कलर की बॉल थी. ओके, सो जो ये एक्सपेरिमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो हमें आउटकम मिलने वाला है उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. पहले से हम नहीं बता सकते कि हमें यही आउटकम मिलेगा. ओके, सो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन. पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है, दैट मीन्स हमें पता है कि रेड मिल सकती है, ब्लू मिल सकती है एंड वाइट मिल सकती है, बट ये नहीं पता कि ब्लू ही मिलेगी या रेड ही मिलेगी या वाइट ही मिलेगी. ओके, एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, है ना, इन एडवांस, पहले से हम नहीं बता सकते. इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, टॉसिंग अ फेयर कॉइन. यदि हम एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, ओके, तो हमें ये नहीं बता सकते कि हमें हेड ही मिलेगा या टैल मिलेगा. ओके, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हमने बोला कि हमें हेड मिलेगा लेकिन हो सकता है कि हमें टैल मिल जाए. ओके, या फिर रोलिंग ऑफ एन अनबायस्ड डाई. ओके, जब हमने एक अनबायस्ड डाई, मतलब कि हमने वो डाई क्या है, अनबायस्ड मतलब उसमें कुछ भी मिल सकता है आपको, वन से लेकर सिक्स तक नंबर्स में से कुछ भी नंबर मिल सकता है. उसमें हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, मतलब हमें ऐसा नहीं किया कि हम डाई को उछालेंगे तो हमेशा हमें सिक्स ही मिले. यदि अगर ऐसा होता है कि हमने डाई का शेप चेंज कर दिया या साइज चेंज करके इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिया कि जब भी हम उसे रोल करें तो हमें सिर्फ सिक्स ही मिले, तो हम उस डाई को क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ बायस्ड डाई. ओके, बायस्ड डाई है वो,
और यदि ऐसा फिक्स नहीं है कि हमें 1 to 6 में से कुछ भी नंबर यदि मिल सकता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इट इज एन अनबायस्ड डाई. ओके, सो रोलिंग एन अनबायस्ड डाई. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ मूव टू अनदर डेफिनेशन विच इज इवेंट. द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट. जब भी हम कोई सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कुछ आउटकम्स मिल रहे हैं. ओके, तो हम उन सारे आउटकम्स को कंसिडर कर लें या उसमें से कुछ आउटकम को कंसिडर कर लें तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक इवेंट बोलेंगे. जैसे कि हमने यदि टॉइन को उछाला तो हमारे पास में सारे आउटकम्स क्या होंगे, हमें हेड मिलेगा, हमें टैल मिलेगा, लेकिन हेड भी मिलेगा और हमें टैल भी मिलेगा. ओके, तो हम इसे भी एक इवेंट बोल सकते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे आउटकम्स को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं. ओके, और यदि हम सिर्फ हेड के मिलने का इवेंट देख रहे हैं तो हम इसे भी इवेंट बोलेंगे. ओके, सो इवेंट इज व्हाट, द कलेक्शन ऑफ ऑल और द सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट. ओके, एग्जाम्पल, इन टॉसिंग अ कॉइन हेड इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड. ओके, एच इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड. सो नाउ मूव टू आर नेक्स्ट पॉइंट विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट इज वॉट, सिंपल, इट्स अ सिंपल फॉर्मूला विच यू हैव स्टडीड इन योर 9th क्लास ऑल्सो. ओके, वॉट इज द फॉर्मूला, पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई. ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ओके, जैसे सपोज हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, यदि हमें हेड मिलने की प्रॉबेबिलिटी देखें तो हेड हमें सिर्फ एक ही बार मिल सकता है क्योंकि हमने एक कॉइन को एक ही बार उछाला है. ओके, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं अपने पास में, हमें हेड भी मिल सकता है और टैल भी मिल सकता है, मतलब हमारे पास में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स है, 2 इज द नंबर ऑफ आउटकम्स, बट हेड तो हमें सिर्फ एक ही बार मिल सकता है यदि हम कॉइन को उछाल रहे हैं. ठीक है, तो एच प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज वॉट, सिंपली अ 1/2. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. ओके, अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन प्रेफरेंस टू अदर. इक्वली लाइकली इवेंट मतलब स्टूडेंट्स, यदि हमने एक डाइस को थ्रो किया, ओके, तो हमें क्या मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 में से हमें कुछ भी इवेंट कुछ भी मिल सकता है. ओके, तो हम ये पहले से इसमें क्या है, पहले से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सिर्फ 5 ही मिल रहा है या हमें सिर्फ 6 ही मिल रहा है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है. ओके, तो अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली, मतलब इक्वली लाइकली मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वली लाइकली है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो सभी नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली है. ओके, सो इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन प्रेफरेंस टू द अदर, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को क्या करें, प्रेफरेंस नहीं दे रहे कि यही नंबर हमें हमेशा टॉस करने पर मिलेगा या हमेशा थ्रो करने पर मिलेगा. ओके, सो उसी इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स. श्योर इवेंट मतलब कि यदि हम किसी डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ओके, तो हमें 1 to 6 के बीच में कितने भी नंबर मिल सकते हैं. ओके, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, तो इसमें जो भी नंबर आ रहा है, 6 से लेस जो नंबर आ रहा है, 1 और 6 के बीच में जो भी नंबर हमें मिल रहा है, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिक्स है. तो ये क्या आपका श्योर इवेंट होगा कि 1 से 6 के बीच में नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है यदि आप एक किसी डाई को थ्रो करेंगे. ओके, नाउ इम्पॉसिबल इवेंट, यदि स्टूडेंट्स हमने किसी डाई को थ्रो किया, ओके, और हमें 1 to 6 तो नंबर मिल सकते हैं, लेकिन हमने बोला कि हमें 8 चाहिए. ओके, एक डाई को हम थ्रो करें और हमें उसमें 8 मिल जाए, तो इज इट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज नंबर रिटन ऑन द डाई इज वॉट, फ्रॉम 1 to 6, ओनली 1 to 6 तक नंबर उस डाई में लिखे हुए होते हैं, 8 नंबर उसमें लिखा हुआ नहीं होता है. ओके, सो हमें 8 नंबर डाई को थ्रो करने पे कभी नहीं मिल सकता. ओके, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी 2 नंबर्स का एडिशन हमें 8 मिले, मैं ये बोल रही हूँ कि यदि हम किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमें सिंगल थ्रो में एक बार में ही 8 मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है. ओके, सो दैट इवेंट विल बी द इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वॉट, पी ऑफ ई एंड पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब इसमें कभी कभी इसमें अप्लाई हो जाता है. ओके, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई सी प्रोबेबिलिटी, कोई सा इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है और उसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होगा आपका, 1 होगा. ठीक है, सपोज
जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, ओके। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड नहीं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी या फिर हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ओके। तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस में 1/2, तो 1/2। तो यदि हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं तो हम हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी। हेड नहीं आना मतलब क्या, हमें टेल ही मिलेगा, ओके। सो किसी इवेंट का होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा आपका, 1 होगा। एंड नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, फॉर सम इवेंट ई वी हैव 0 < P ऑफ ई < 1। स्टूडेंट्स, जो प्रोबेबिलिटी होती है आपका किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर हो सकती है या फिर 1 के बराबर होगी और 1 से लेस होगी, लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ओके। पी ऑफ ए इज 0 व्हेन द ई इज़ द इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट के लिए कितनी होगी, 0 होगी। जैसे कि मैंने डाइस के लिए बताया था कि डाइस को यदि आपने थ्रो किया तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। सो पी ऑफ ई इज 0 बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ P of E is equals to 1 because when E is a sure event, okay? जब आपका sure event होगा तो probability आने की possibility क्या होगी, P of E कितना होगा आपका, 1 होगा for the sure event, okay? Now students, in probability you will get the questions related with the cards, okay? So यहाँ मैं आपको cards की थोड़ी सी information दे रही हूँ। Total number of cards कितने होते हैं students, 52 cards होते हैं। उसमें हमारे पास में एक इस शेप का कार्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पैड बोलते हैं, इस टाइप के का शेप होता है कार्ड पे, उसे हम क्लब बोलते हैं, हार्ट शेप का होता है और एक डायमंड शेप का कार्ड्स होते हैं। दे आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स इन 52 कार्ड्स। ई कार्ड कितने होते हैं आपके, 13 कार्ड्स होते हैं, मतलब स्पैड कितने होंगे आपके, 13 कार्ड्स होंगे, क्लब के आपके 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के भी 13 कार्ड्स एंड डायमंड के भी 13 कार्ड्स। तो सभी का सम मिला के आपके कितने कार्ड्स हो गए, 52 कार्ड्स हो गए। जो आपका स्पैड और क्लब होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है आपका, ब्लैक कार्ड्स होता है, ये ब्लैक कलर में होता है आपका, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कार्ड्स। तो यहाँ ब्लैक कार्ड्स आपके टोटल कितने हो गए, 26 कार्ड्स होते हैं आपके, ठीक है। और हेयर हार्ट एंड डायमंड, दे आर रेड कार्ड्स, ओके। जनरली हार्ट तो स्टूडेंट आपको भी पता है हम रेड कलर से शो करते हैं, ओके। सो आप उससे भी ध्यान में रख सकते हैं कि रेड और डायमंड क्या होता है आपका, रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। सो ये रेड कार्ड्स भी आपके कितने होंगे, 13 + 13, दैट इज 26 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब स्पैड में आपका फेस कार्ड्स कितने होते हैं, ठीक है। स्पेड का एक किंग होता है, स्पैड का एक क्वीन भी होती है और स्पैड का एक जैक होता है, ठीक है। तो टोटल अगर हम स्पैड के फेस कार्ड की बात करें तो उसमें कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड्स होते हैं। सिमिलरली 3 फेस कार्ड्स फॉर क्लब्स, 3 फेस कार्ड्स फॉर हार्ट एंड 3 फेस कार्ड्स फॉर डायमंड। सो टोटल किंग, क्वीन एंड जैक फॉर स्पैड, किंग, क्वीन एंड जैक फॉर क्लब, दिस इज़ फॉर हार्ट, दिस इज फॉर डायमंड। सो देयर टोटल सम विल बी 12, ओके। 3, 3, 3 एंड 3, टोटल 12 कार्ड्स कितने होते हैं आपके, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12 कार्ड्स होते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्ड्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ मेरे चैनल पर कनेक्टेड रहें। सो थैंक यू वेरी मच।